पर चारों तरफ कैमरे लग रहे हैं, उन्होंने हमें फर्स्ट कैमरा एक ही दिखाया है। सर अभी भी मैं थाने से जा रहा हूँ, विश्वास नहीं है। देखो सारे कागज ले, सब पे पर्च में किसी का हाथ जोड़े, उसने थाने में पैसा और भर दिया है। आप जाती तो कहते शाम को 4 बजे आना, 4 बजे जाती तो कहते कर। हम सुबह के वहीं बैठे हुए हैं, वहीं बैठा रखा, आई उन्हें बोला कि नीचे बैठ जाओ अभी देते हैं। हाँ जी, जैसा कि हम यहाँ हैं और हमें इन्होंने बताया है अभी कि इनके बेटे को इलेक्ट्रिक वायर का काम करते हुए, भांजा है इनका, आपका बेटा है, इनका भांजा है, इनका बेटा है। हाँ जी, आप बताइए। घर वाला मेरा दिमाग से पागल है और मेरे को FIR नहीं दे रहे हैं थाने से, गाजियापुर थाने से मेरे को FIR नहीं दे रहे। एक छोटा सा बच्चा है, मेरी बोई बच्चा था, मैं कमाती थी खाती थी, पाल पलोस के मैंने बड़े करे थे, और बैटरी रिक्शा चलाने गया, निकालने गया था तो वहाँ पे लग गया, करंट में गई, उन लोगों से करंट लगा के, मतलब उसने पहले मांगा था कि मेरे को चार्जर वो दे दो, चार्जर कि हम चार्जर तेरे को क्यों दें, इतने में तो उन्होंने कुछ खिला पिला के वो कर दिया है, उसकी मौत हो गई है, मौत हो गई है। फिर मौत पे उन्होंने करंट लगाया है, यहाँ पे नहीं लगाया, उंगलियों पे नहीं लगाया, यहाँ पे करंट लगा हुआ है। अब मेरे को FIR नहीं दे रहे हैं। क्या नाम था आपके बेटे का? सनी। सनी कितनी उम्र थी उसकी? 18-19 साल। 18-19 साल। तो ये जो चार्जिंग जो आप बता रहे हैं, चार्जिंग नहीं थी, ये कौन सी जगह की बात है, ये कहाँ है? ये गड़ौली डेयरी फार्म, गड़ौली गांव में। अच्छा, और ये क्या समय था जब वो पहुँचा है वहाँ, ये क्या था, कुछ पता? 1:30 बजे की बात है। और ये कौन सा दिन था वैसे? दिन था 19 तारीख, 19 संडे को। अच्छा, तो ये कब, आप जब पुलिस थाने गए तो वहाँ से क्या, ये पुलिस थाने आप कब गए थे? नहीं सर, मेरे को तो 20 तारीख को मैं गया था। नहीं सर, मैं गया था, मेरे दोस्त गए थे। अच्छा, मेरे दोस्त गए। फिर क्या कहा था? हमने वहाँ जाके बोला सर मेरे बेटे की, जो हमारा बेटा है एक्सपायर हुआ है, भांजा है हमारा, वो उसकी FIR लिखिएगा वहाँ पर, छानबीन कीजिएगा कैसा एक्सपायर हुआ, हमें तो पता पड़ना चाहिए। तो वहाँ पर चारों तरफ कैमरे लग रहे हैं, उन्होंने हमें फर्स्ट कैमरा एक ही दिखाया है, 3 कैमरों में कुछ दिखाया नहीं है, जिसमें हमारा बेटा जाता हुआ दिखाया, आता हुआ नहीं दिखाया। हाँ जी सर, और बस 2 बंदे आए हैं, 2 बंदों ने क्या किया उसके साथ में, क्या नहीं किया वो हमें पता ही नहीं है। और जब थाने जाते हैं तो थाने में हम जब बच्चे को हम वहाँ पर गाँव ले गए, यहाँ से जो बच्चों का स्वर्गवास जो ठिकाने पे लगाया हमने, उसके बाद हम आए 20-22 दिन के बाद हम इधर आए, तो हमने थाने जाके पहुंचे, हमने बोला हमारी FIR दे दो। तो SI शिवम और SHO धीरज कुमार जी, उनसे भी हमने कई बार बोला है, लेकिन वो हमारी FIR नहीं दे रहे। सर अभी भी मैं थाने से जा रहा हूँ, विश्वास नहीं है। देखो सारे कागज ले लेके घूम रहे हैं, आज मेरे को 20-25 दिन हो गए हैं। ये देखिएगा सर, ये देखिएगा सर, ये MLC है, ये कौन सा FIR कुछ लिखा है? कुछ नहीं सर, ये MLC दे दिए और ये दे दिए, आप देख सकते हैं, ये MLC रिपोर्ट है जो ये दिखा रहे हैं अभी, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल खिचड़ीपुर दिल्ली। तो जी, जैसा हम अभी हम जानना चाहते हैं कि ये आपको कब पता चला? मेरे को ना किसी ने आके आपको बताया? मेरे को, मैं दुकान पे बैठी थी, एक छोटा सा मेरा बहुत दुकान है उसमें मैं बैठी थी, तो एक रिक्शा वाला आया कि मैडम मैडम, कि मैंने क्या है कि आंटी आपका लड़का वहाँ पे बेहोश पड़ा है। मैंने कि तू क्या बात कर रहा है, मेरा लड़का आ रहा है, मैं अभी घर जा रही हूँ, अभी फ़ोन किया है मेरे पास कि नहीं नहीं आंटी आप बात करिए। मैंने बात करी तो गैरेज वाले ने मेरे से बात करी है कि हाँ जी मैडम आप जल्दी आइए, आपके लड़के में कुछ तबीयत खराब है। बस मैं गई तो मेरा लड़का पट पड़ा हुआ था, मेरे तो बेहोश उड़ गए, मैंने देखते ही पागल हो गई। तब मैंने कि भाई वहाँ पे 5-6-7 लोग खड़े हैं, पी रहे हैं खा रहे हैं। तो उन्होंने, मैंने कि ए भैया मेरे बच्चे घुटवाए बच्चे, मैं ऐसी सॉल उड़े थी, मैंने इसी सॉल पे लिटा के अपना बेटा, सब पे पैर छुए, किसी का हाथ जोड़े तो अपने बच्चा को उठवाई बस, और एम्बुलेंस में रखा, सीधा ले गई मेरे को थाने में। मामे बोला हॉस्पिटल में कि आपके बच्चे की मृत्यु होगी, बस भैया मैं माफी। तो उस कंपनी के मालिक ने कुछ बोला? नहीं, वो आया ही नहीं बाहर, वो मेरे पास ही नहीं आ रहा है, वो मेरे पास ही नहीं आ रहा है। तो इस मालिक ने कुछ आपकी मदद नहीं करी, थाने में आके की रिपोर्ट लिखवाए या कुछ? उसने थाने में पैसा और भर दिया है। तो यानी मालिक की गलती है यही, मतलब बिल्कुल आपको पता है? हाँ, मालिक ने थाने में पैसा भर दिया, वो थाने वाले ने जाएगा। उस कंपनी का नाम क्या है जहाँ वो, या कुछ नाम है या फिर उस मालिक का नाम? उन मालिक का नाम बता रही हूँ, मेरे कागज में मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ सर, मैं बस। आप पढ़ी लिखी नहीं है पर आपके साथ इस समय प्रेस है, सारे जर्नलिस्ट लोग हैं जो आपकी बात सुन रहे हैं, और बड़े से बड़े अधिकारी आपकी बात सुनेगा, सारा प्रशासन आपकी बात सुनेगा। इस सोच में मत रहिए कि आप अनपढ़ हैं तो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। अधिकारियों का किसी का नाम पता है आपको? हाँ जी, ये शिवम सर हैं, ये कौन है? ये थाना अध्यक्ष हैं, वो
आईओ हैं। अच्छा ये आईओ हैं शिवम, शिवम अच्छा थाना गाजीपुरा आईओ गाजीपुर थाना। अच्छा हाँ जी सर। और ये हैं एसएचओ साहब। ये एसएचओ गाजीपुर धीरज, धीरज कुमार हैं और उनका नाम है। तो इन लोगों, इन सब ने आपकी एफआईआर लेने से मना कर दिया, क्या कारण क्या बताया? पता नहीं, यही कह रहे हैं कि यही कह रहे हैं हम किस चीज पे एफआईआर करें। वो तो आपने क्या बोला? वो उन्होंने कुछ किया तो नहीं, अपने आपके लड़के के साथ बिजली का करंट लगा हुआ है, आपके लड़के के साथ उन्होंने कुछ किया नहीं, ये बात कह रहे हैं। तो पोस्टमार्टम की कुछ रिपोर्ट है, क्या है उसमें? आपने वो कुछ दिखाया उन्हें पुलिस को या कहीं आगे? पुलिस वालों ने दे दिया अभी, तो अभी हमने किसी को पुलिस वाले हमें दिखा रहे हैं, पुलिस वालों के पास अभी मैं इतने कागज रखे हुए देख कर आई हूँ, उन्होंने दिए ही नहीं। मकान नंबर है 51 गढ़ोली गांव है, मकान मालिक का नाम है महेश, उनके दो लड़के हैं, एक का नाम विनीता एक का नाम सचिन है। अच्छा हाँ जी, दो लड़के महेश विनीत। अच्छा तो आप प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं, आप ये बताइए। मैं प्रशासन से मुझे मदद चाहता हूँ कि मुझे एफआईआर दी जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए और तहकीकात की जाए कि हमारे बेटे की मृत्यु कैसे हुई है। हाँ जी। तो ये पुलिस वालों ने जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी थी तो क्या बोले? बस यही कि करंट लगा इस वजह से, बस खाली ऐसे ही कह रहे हैं वो, फिर रिपोर्ट ही नहीं दे रहे उन्होंने, क्योंकि पैसा भर लिया है, रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। कौन सी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं आपको? एफआईआर। अच्छा एफआईआर यानी दर्ज ही नहीं करने दे रहे हैं आपको। अच्छा और कुछ आप कहना चाहते हैं? जाती हूँ संजय, आज जाती तो कहते शाम को 4 बजे आना, 4 बजे जाती तो कहते कल आना, कल जाती तो कहते परसों आना, अभी गई हो तो कह रहे हैं कि थाने माँ पे जाओ। यानी 3 से 4 दिन आप ऐसे ही? 3 से 4 दिन नहीं, एक महीना थे, 19 तारीख की बात है, पिछले महीने। अच्छा आज 21 है, तभी पिछले, मुझे लगा ये, हमें लगा ये 19 की बात है। यानी एक महीने से आप ऐसे ही घूम रहे हैं, एक महीने से ऊपर 4 दिन और हो गए हैं। एक एक दिन में दो दो बार जा रही हूँ फिर भी नहीं दे रहे, घंटे 4-4 घंटे बिठा के रखते, अभी भी हम सुबह के वही बैठे हुए हैं, वहीं बैठा रखा। आई उन्हें बोला कि नीचे बैठ जाओ, अभी देते हैं, देने के बावजूद भी दी नहीं, हमको बोल दिया जेल मिल जाइए, आपको जेल मिल से एफआईआर मिलेगी। आप बताइए सर, हम ऐसे कहां गए? नहीं गए सर, अभी अभी बोला है हमको। अच्छा अभी अभी बोला, अभी वहीं से आ रहे हैं हम। मिट्टी मिल गई, मिट्टी तो वहां से पोस्टमार्टम हुआ, लाल बहादुर से दूसरा महीना लग गया, 19 तारीख की बात है।